मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुराद मिश्रा। आपको लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का नाम है द स्टोन एज एंड अर्लियर सोसाइटी, हम बात कर रहे थे प्री हिस्ट्री मैन की लाइफ, यानी आदि मानव की लाइफ कैसी थी, उनका जीवन कैसा था। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इतिहास में यह साफ साफ वर्णित है, क्योंकि यह वह इतिहास का समय था जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। यह प्री हिस्ट्री है। हिस्ट्री को हम वो कहते हैं कि इतिहास के बीते हुए समय का वह भाग जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन साक्ष्य हो, कोई रिटन एविडेंस हो, कोई रिटन ऐसा हमारे पास एविडेंस हो जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि ये घटना इस समय घटित हुई थी। लेकिन प्री हिस्ट्री इतिहास का वह पन्ना है, इतिहास का वह युग है जिसके बारे में कहीं कोई रिटन एविडेंस नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं होने की वजह से ये सभी बातें कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स, उनके आदि मानव के इस्तेमाल किए गए पत्थरों के वेपन्स, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन, उनके द्वारा पत्थरों पर, दीवारों पर गुफाओं में की गई पेंटिंग, उनके कुछ अवशेष, उनके हथियार, उनके औजार, उनके कुछ गहने, इन सब चीजों के माध्यम से जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या जो भी पुरातत्व विभाग है विभिन्न देशों के, उन्होंने एक खाका तैयार किया, एक लगभग जैसा अनुमान बनाया कि जो आदि मानव का जीवन होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, वो लोग कुछ ऐसे रहते होंगे उनके आधार पर। इस आधार पर ही बताया गया कि आदि मानव की प्रारंभिक अवस्था जो पृथ्वी पर थी वो लगभग चार लाख वर्ष पूर्व। ऐसे में आदि मानव का जो जीवन था वो बिल्कुल एक जानवर के समान हुआ करता था, यानी वो पूरी तरह से फूड गैदर करता था, खाने को इकट्ठा करता था, फूड को गैदर करता था। शिकार करने का मुख्य लक्ष्य उसका इसी वजह था कि वह भोजन की तलाश में, और यह क्योंकि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हुआ करता था पूरी पृथ्वी पर, एक अलग युग था, तो उस पत्थरों का इस्तेमाल करके वह जानवरों को मारता था। मारने के बाद से उनके कच्चे मांस को खाता था, बिल्कुल भी एनिमल के जैसे, और उनके स्किन को उतार कर कपड़े बनाता था, कुछ अपने आप को ढकता था, ठंड से बचाता था। रहने के लिए प्रारंभिक रूप से जो मनुष्य था वो पेड़ों पर निवास करता था ऐसा बताया गया है, या फिर गुफाओं में पहाड़ों के अंदर काट काट के वो गुफाएं बनाता था, या फिर जानवर के बनाए हुए गुफाओं में उनको मार के भगा के उस गुफाओं में ही निवास करता था, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए या फिर बरसात में अपने आप को बचाने के लिए। ऐसी अवस्था में मनुष्य को धीरे धीरे अब यह समझ में आने लगा कि उसकी जो प्रारंभिक या सबसे बेसिक क्रिया है, तो उसे समझ में आ गया कि भोजन उसके सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से है, और उसके बाद से रहना फिर कब। इस तरीके से आदिकाल में आदि मानवों ने अपने आप को एक विकसित समाज की ओर धीरे धीरे अग्रसर करना शुरू किया। वे जहां एक निवास करते थे, जहां उनको जानवर मिलता था, जहां उनको पीने के लिए पानी मिलता था, जहां उनको कंदमूल मिलता था पेड़ों पे, वहां रहते थे, खूब खाते थे जानवरों को मार, और धीरे धीरे जब वहां पे संसाधन खाने पीने के खत्म हो जाते थे उनके हिसाब से, तो वहां से मूव कर जाते थे, यानी वे थे नोमैड्स, वांडर करते थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह उनका विचरण करने का ही पूरी तरह से व्यवस्था। आज सामाजिक व्यवस्थाओं में, आज जो हमारा सिविल सोसाइटी है, सभ्य समाज है, उसमें हम एक अस्थाई परमानेंट हमारा निवास होता है, हम एक अस्थाई जगह पे रहते हैं, वहीं पे निवास करते हैं, वहीं पे अपना सब कुछ काम करते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं वापस अपने घर को ही वापस आते हैं, जिसे हम घर कहते हैं। इस सिविल सोसाइटी की जो शुरुआत हुई थी वह इसी प्रकार से हुई थी, जब आदि मानव को यह समझ में आ गया कि जहां उसको भोजन मिलता था वहां चला
चलते रह गया। एक समय ऐसा उसको भी आया होगा जब उसे एहसास हुआ कि अब हमें इतना घूम टहल के जीवन बिता रहे हैं, उसमें काफी समय लग जा रहा है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे परिस्थिति में उसे एक जगह पर स्थायी निवास करना चाहिए ताकि उसका ऊर्जा का इस्तेमाल वो बाकी और अन्य कामों करे। धीरे धीरे उसने एक समाज बनाया, फिर उसने परिवार बनाया, परिवार से फिर गाँव बना, ऐसे करके फिर वह एक घर बना लिया और वहां पे वो रहने। प्रारंभिक रूप से ये लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे टूल्स के रूप में, औजार के रूप में, हथियारों के रूप में। इन्हीं पत्थरों और इन्हीं औजारों की मदद से इतिहासकारों को यह जानकारी हुई कि यह आदिमानव ने इस तरह से इसको जीवन जिया होगा। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से उनके जीवन के बारे में पता चलता है। इतिहासकारों ने इस पूरे काल को, इस पूरे पीरियड्स को तीन मुख्य एज में डिवाइड किया है। अगर हम बात करें इस पूरे स्टोन एज की, तो स्टोन एज के हिसाब से उसकी क्वालिटी, उसके लाइफ स्पैन और उन सभी चीजों को क्लासिफाई किया जाए तो तीन भागों में उसको डिवाइड किया गया है, जिसको पहला कहते हैं पैलियोलिथिक। दूसरा है मेसोलिथिक, और तीसरा है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मैं सिर्फ शॉर्ट में इसको डिराइव करूंगा, बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे अच्छे से विस्तार से। पैलियो का अर्थ होता है पुराना, ओल्ड। अगर हम इसको डिराइव कर सकते हैं, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। अगर हम इसको हिंदी में समझ करें तो हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल, यानी इस स्टोन एज का वह टाइम जो सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है। और उसके बाद मेसो क्या है, तो मेसो का अर्थ होता है मिडिल, मध्य, यानी मध्य पाषाण काल। लिथिक का अर्थ होता है स्टोन। तो मध्य पाषाण काल इसको समझ सकते हैं, यानी वह काल था जो पुरा पाषाण, यानी बहुत पुराने समय से लेकर और नवीन जो पाषाण काल था उसके बीच का जो टाइम था उसे हम मेसोलिथिक कह सकते हैं। और सबसे लास्ट में ये लिथिक, यानी नव पाषाण काल, यह पूरी तरह से लिथिक यानी स्टोन एज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको हम समझेंगे विस्तार तरीके से अपने अगले वीडियो में, कि इस स्टोन एज में मनुष्य ने कौन कौन से काम सीखे, उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए और उसने क्या सीखा, क्या परिवर्तन किया अपने जीवन में। और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका आप लोग को पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।